हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ सूजी से बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं सूजी का ये बहुत ही आसान सा नाश्ता बनाना। सूजी का बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक बोल और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 कप के करीब सूजी और साथ में यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 1/2 कप दही। तो 1 कप सूजी में 1/2 कप दही डालना है और साथ में 1/2 कप पानी और सभी चीज़ों को मिला लेना है। यहाँ पर मैंने सूजी और दही को मिला लिया है और अब इसे ढक के रख देते हैं 15 मिनट के लिए और अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। और गैस पर मैंने एक पैन चढ़ाया है और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून के करीब तेल। तो बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करना, 1 टेबलस्पून। और यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक, 4 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई और 1 हरी मिर्च है, इसको भी मैंने बारीक ही काटा है और इसमें डाल देते हैं। भून लेंगे इसे 1 मिनट तक। यहाँ पर मैंने सभी चीजों को 1 मिनट तक भून लिया है और इसमें अब डाल रही हूँ मैं 1 शिमला मिर्च है मीडियम साइज की और 1 बड़ा प्याज है, तो इस तरीके से मैंने काट लिया है। आप चाहें तो कैसे भी इसे कट कर सकते हैं और इसे हम 2 मिनट तक भूनेंगे। और अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक, यहाँ पर मैं 1/4 चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ और साथ में डालेंगे काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच। यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, मिला लेंगे। और साथ में यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 3 टेबलस्पून के करीब टमाटो सॉस। और डालेंगे चिल्ली सॉस, तो 1 टेबलस्पून करीब चिल्ली सॉस डाल रही हूँ मैं, मिला लेंगे। तो 1 मिनट तक हम इसे सॉस के साथ भी भून लेंगे। और यहाँ पर ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है, तो यहाँ पर मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ और इसे हम ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पर सूजी भी हमारी फूल गई है, 15 मिनट हो गए इसे रखे हुए, तो देखिए काफी थिक हो गई है ये। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, क्योंकि इसमें अभी तक हमने नमक नहीं डाला, तो 1/4 चम्मच के आसपास मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ। साथ में डाल देंगे चिल्ली फ्लेक्स, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। तो यहाँ पर मैंने चिल्ली फ्लेक्स डाल दिए, मिला लेंगे। बैटर की थिकनेस हमें बिल्कुल ऐसे ही रखनी है, इससे ज्यादा पतला नहीं करेंगे बैटर को, बिल्कुल बैटर हमारा ऐसा ही होना चाहिए। तो सभी चीजें यहाँ पर मिक्स हो गई हैं अच्छे से और सूजी भी हमारी फूल चुकी है। और साथ में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, यहाँ पर हरा धनिया डाल के भी मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये मिक्सचर शिमला मिर्च और प्याज वाला जो हमने बना के रखा हुआ है, और ये ठंडा हो गया है तो मैं इसमें ये डाल लेती हूँ। मिला लेंगे इसे। तो यहाँ पर मैंने ये मिक्सचर भी मिला लिया और बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, इससे ज़्यादा ना इसे हमें पतला करना है ना इसे ज़्यादा गाढ़ा करना है, तो ऐसे ही रखना है हमें बैटर की कंसिस्टेंसी को।
बस केवल हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। और अब चलते हैं आगे की प्रोसेस में। और यहाँ पर गैस पर मैंने दोबारा से एक पैन चढ़ाया है और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून के करीब तेल। और तेल को हम अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे पैन में। पैन को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म करेंगे। और ये जो हमने सूजी वाला बैटर बना के रखा हुआ है वो इस पैन में डालेंगे, पूरा ही डालना है। तो यहाँ पर मैं इसे पूरा एक साथ ही डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरा बैटर डाल दिया और इसे फैला लेंगे। इक्वली फैला लेंगे बिल्कुल, जैसे हम बर्फी बनाते समय बिल्कुल इक्वली फैलाते हैं उसी तरीके से हमें बिल्कुल बराबर फैला लेना है इसे, कहीं मोटा पतला नहीं रखेंगे। तो इसको मैंने इक्वली फैला लिया है। इक्वली फैला लेने के बाद गैस के फ्लेम को लो से थोड़ा सा हाई रखेंगे और मीडियम से लो रखेंगे। और उसके बाद मैं इसे ढक रही हूँ ताकि ये अंदर तक बहुत अच्छे से पके। 3 से 4 मिनट हम एक तरफ से पकाएंगे और फिर दोबारा से 3 से 4 मिनट पलट कर पकाएंगे। तीन से चार मिनट इसे मैंने एक तरफ से पका लिया है और अब इसे हम पलट लेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है यहाँ पर, सारी सब्जियाँ जो हमने इसमें डाली हैं सारी दिखाई दे रही हैं। तो अब इसे पलट लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे डायरेक्ट इस तरीके से नहीं पलटेंगे क्योंकि ये काफ़ी मोटा है और ये टूट जाएगा पलटने में, तो हमें इसे तोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले हम गैस को ऑफ करेंगे। गैस को मैंने बंद कर दिया है और यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक बड़ी सी थाली, और थाली हम इसके ऊपर लगाकर इस तरीके से पलट लेंगे। तो पहले हमें गैस को ऑफ करना है और अब इस पैन में हम दोबारा से डाल लेंगे इसे। तो देखिए इधर से बहुत अच्छा सिक गया ये। और यहाँ पर मैंने दोबारा से गैस को ऑन कर दिया है और इस पैन में अब हम डाल लेते हैं। तो बहुत ही सावधानी से इस तरीके से अब हम इसे पैन में डाल लेंगे, इससे ये टूटेगा भी नहीं। और साथ में किनारों पे डाल लेंगे थोड़ा सा तेल, 1 से 2 चम्मच के करीब किनारों पे मैंने तेल डाल लिया है। और इसे ढक देंगे फिर से 3 से 4 मिनट और उसके बाद ये हमारा नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा सूजी का। और यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये देखिए ये हमारा नाश्ता बनके तैयार हो गया है सूजी का। और यहाँ पर मैं इसे प्लेट में निकाल ले रही हूँ, तो बहुत ही सावधानी से निकालेंगे नहीं तो ये टूट भी सकता है। तो देखिए ये हमारा सूजी का नाश्ता बनके तैयार है। अब इसे हम कट करते हैं, नाइफ की हेल्प से मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ से कट कर लिया है और अब दूसरी तरफ से कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे भी आप पीसेस बनाना चाहे वैसे बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। और देखिए हमारा सूजी का बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके तैयार है। सर्व कर लेते हैं इसे। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे पीसेस भी तैयार कर सकते हैं। काफी गर्म है ये। लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये सूजी का नाश्ता बनके तैयार है। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है और बहुत ज़्यादा तेल का भी यूज़ नहीं किया है मैंने। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ब्रेकफास्ट में बनाइए, इवनिंग स्नैक्स के रूप में बनाइए, कभी भी बनाइए। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बहुत ही आसानी से तैयार भी हो जाता है। इसमें आप कोई भी अपनी मनपसंद सब्जियाँ भी डाल सकते हैं। और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।